मैं शशि किरण और आप देख रहे खबर 24 न्यूज। खबरों पे है अगर नजर हमारी, उन्हीं खबरों को हम दिखाते हैं सिर्फ खबर 24 न्यूज पर। देखते हैं आज की सुर्खियां। सांसद दुष्यंत सिंह ने सुनील कजवे का किया दौरा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर डायलिसिस यूनिट का किया उद्घाटन। 18.5 लाख रुपए की लागत से करवाया निर्माण। डग में किसान फसलें खुले बाजार में बेचने को हुए मजबूर। फसल खरीद व नीलामी कार्य का शुभारंभ नहीं होने से है परेशान। भवानी मंडी कृषि उपज मंडी में हुई फसलों की बम्पर आवक। सोयाबीन ही सोयाबीन की नजर आए ढेर। भवानी मंडी में सांसद दुष्यंत सिंह ने यात्री ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। ट्रेन का साप्ताहिक ठहराव हुआ शुरू। शिश सड़क का किया लोकार्पण। अब डालते हैं खबरों पर एक विस्तृत नजर। भवानी मंडी सांसद दुष्यंत सिंह ने जयपुर पुणे यात्री ट्रेन के पहले ठहराव पर शनिवार को हरी झंडी दिखाकर उसे मुंबई की ओर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने स्टेशन परिसर में उच्च श्रेणी सुविधाओं का भी लोकार्पण किया। इसके बाद स्टेशन तिराहा पर जहां से पचपाड़ मुक्तिधाम बाईपास मार्ग तक 10.5 करोड़ की लागत से बनने वाली सीसी सड़क का लोकार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दुष्यंत सिंह ने कहा कि जिले के सभी नगर पालिकाओं का समान रूप से विकास कराया, आपके समर्थन व प्यार मिले, यही विनती करने आया हूँ। इससे पूर्व रेलवे स्टेशन पर जयपुर पुणे यात्री गाड़ी के ठहराव पर सांसद ने हरी झंडी दिखाकर उसे रवाना किया। इस दौरान ट्रेन के ड्राइवरों को माला व साफा बांधकर अभिनंदन किया। इस दौरान स्टेशन परिसर में नवनिर्मित प्रथम व द्वितीय श्रेणी विश्राम स्थलों का लोकार्पण किया। दुष्यंत सिंह ने कहा कि शीघ्र ही कोटा से मेट्रो ट्रेन चलाई जाएगी। इस दौरान विधायक रामचंद्र सोनारीवाल, पूर्व मंत्री मानसी चौहान मानसी भगवतीपुरा, दिनेश जैन मिश्रोली जगमाल सिंह, मंडल अध्यक्ष सुनील दीक्षित, पूर्व प्रधान नारायण सिंह, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष रंजिता पांडे, मानसी सेमली बक्ता, डक सरपंच जितेंद्र सिंह, घनश्याम पारेता, गौतम जैन, डक सरपंच राजेंद्र सिंह, घनश्याम पारेता, गौतम जैन चौमहला, श्वेता मेहरा सहित बड़ी संख्या में भाजपा नेता मौजूद थे। वहीं एसडीएम उपखंड अधिकारी कमल सिंह यादव, पुलिस उप अधीक्षक देवेंद्र सिंह मई पुलिस जाप्ता मौजूद थे। संचालन प्रताप सिंह झाला ने किया। सुनील कस्बे में झालावाड़ 12 सांसद दुष्यंत सिंह ने सुनील कस्बे का दौरा किया। यहां सांसद ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सांसद कोष से 18.5 लाख रुपए की लागत से लगाई गई डायलिसिस यूनिट का उद्घाटन किया। इसके अलावा चिकित्सालय में लगाए गए आरोह प्लांट का भी उद्घाटन कर इसे जनता को समर्पित किया। यहां उन्होंने उद्घाटन के दौरान की जा रही एक महिला रोगी की डायलिसिस का भी अवलोकन किया। इसके बाद सांसद ने यहां आयोजित उद्घाटन समारोह में उपस्थित ग्रामीणों व भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित विकास कार्यों की जानकारी दी। इस अवसर पर CMHO डॉक्टर साजिद खान, डक विधायक रामचंद सुनारीवाल, जिला अध्यक्ष संजय जैन, उपाध्यक्ष गोविंद धाकर, जिला प्रमुख टीना भील, प्रधान कन्हैयालाल पाटीदार, सुनील मंडल अध्यक्ष बंकट राठी, महामंत्री गोविंद श्रृंगी, बिरदीलाल भंडारी, किसान मोर्चा जिला महामंत्री अशोक दुबे, अल्पसंख्यक मोर्चा जिला उपाध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, शाहनवाज खान, अल्पसंख्यक मोर्चा मंडल अध्यक्ष इरशाद अली, पूर्व मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र फोफलिया, युवा मोर्चा के जितेन राजावत आदि उपस्थित रहे। डग में अश्रेणी की कृषि उपज मंडी होने के बावजूद भी मंडी में फसल खरीद एवं नीलामी कार्य का शुभारंभ नहीं होने से किसान खुले बाजार में कम दाम पर फसलें बेचने को मजबूर है। क्षेत्र में इस समय खरीफ फसल सोयाबीन, मक्का, उड़द, मूंगफली, चौली आदि पककर तैयार हो गई है, जिसको किसान बेचने के लिए मंडी में जानकारी कर रहे हैं। लेकिन मंडी में कृषि उपज मंडी प्रशासन द्वारा इस वर्षा फसलों की खरीदी नीलामी प्रक्रिया का शुभारंभ नहीं किए जाने से मंडी चालू नहीं हो पाई, जिससे किसान अपनी तैयारी फसलों को बेचने के लिए बाजार ला रहे हैं। मंडी शुरू नहीं होने से खुले बाजार में बेचने को मजबूर है, जिससे किसानों को अपनी फसलों का पर्याप्त दाम नहीं मिल पाने से किसानों में रोष है।
इस बारे में कृषि उपज मंडी के इंचार्ज सचिव फरेबीलाल मीणा से जानकारी करने पर बताया कि व्यापारियों से चर्चा कर मंडी में खरीद नीलामी कार्य का शुभारंभ जल्द ही करवा दिया जाएगा। भवानी मंडी विशिष्ट श्रेणी कृषि उपज मंडी में शनिवार को सोयाबीन की बंपर 12 से 13,000 सोयाबीन की आवक हुई, जिससे मंडी परिसर में संतरा मंडी को छोड़कर धनिया मंडी परिसर व अन्य हिस्सों में सोयाबीन ही सोयाबीन के ढेर नजर आए। वहीं बंपर आवक के चलते शनिवार को 150 से 200 रुपए क्विंटल भाव टूट गए, जिससे किसानों को निराश होना पड़ा। लेकिन मंडी में ढेर हो जाने की वजह से उन्होंने जैसे तैसे अपनी कृषि जिनसे बेची। किसान देवी सिंह, शंकर सिंह आदि ने बताया कि दिन तक सोयाबीन के भाव अच्छे थे, लेकिन जैसे ही आवक शुरू हुई सोयाबीन के भाव में कमी हो गई, जिससे किसानों को आर्थिक परेशानी हो रही है। राज्य सरकार व मंडी समिति को भावों के मामले में हस्तक्षेप कर भावों पर अंकुश लगाना चाहिए। जबकि प्रमुख व्यापारी राजकुमार गुप्ता ने प्रदीप जैन आवर ने बताया कि कोटा सोयाबीन प्लांटों के भावों में 150 से 200 रुपए की कमी हो गई है। आगे लेवाली नहीं होने की वजह से भावों में कमी हुई है। वही शनिवार को सोयाबीन 2600 से 3170, उड़द 2200 से 31, गेहूँ 1850 से 2875, मेथी 2800 से 3300, चना 3400 से 3850, सरसों 3800 से 3850, मसूर 3300 से 3500, धनिया 4000 से 4800, कलौंजी 6500 से 8500, अलसी 3800 से 3100 रुपये प्रति क्विंटल रहे। भवानी मंडी समता आंदोलन समिति ने शनिवार को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन उपखंड अधिकारी को देकर अध्यापक का स्थानांतरण निरस्त किए जाने की मांग की। ज्ञापन में समिति अध्यक्ष गिरिराज चतुर्वेदी ने कहा कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित शिक्षक मनमोहन शर्मा का स्थानांतरण कर दिया गया, उन्हें दोबारा वहीं पर लगाया जाए। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए खबर 24 न्यूज़। नमस्कार।